हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जो है ओटीपी वेरिफिकेशन एक्टिविटी ऐड करेंगे हमारे ऐप में। ओके, और ये एक्टिविटी जो है वो ऑफलाइन सॉरी कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन के लिए होगी। ओके, यानी कि अगर यूजर सीओडी ऑप्शन जो है पेमेंट मेथड अगर सिलेक्ट करता है तो हमें यूजर को पहले वेरीफाई करना है ओटीपी के थ्रू, और उसके बाद यूजर का ऑर्डर जो है वो हमें कन्फर्म करना है। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली सिर्फ उसका डिजाइन जो है वो हम रेडी करके सेट कर देंगे, और बाकी फोन नंबर के लिए हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ओके, एड्रेसेस से रिलेटेड। तो वो सारे चेंजेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ओटीपी वेरिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, हमें एक न्यू वेबसाइट या फिर एक सर्विस जो है एसएमएस सर्विस, उसका यूज करना है, उसका एपीआई हमें यूज करना है। ओके, तो इस वीडियो में हमें इतनी चीजें करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको जो है डिजाइन यहाँ पे जो है शो कर लेता हूँ। ओके, हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके का है, काफी सिंपल है। एक आइकन है, एक टेक्स्ट व्यू है, एक एडिट टेक्स्ट है ओके, जिसके अंदर जो है यूजर को यूजर से जो है इनपुट लेंगे ओटीपी का, एंड यहाँ पे वेरीफाई बटन ओके, जिसके थ्रू हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी का डिजाइन है। तो अब सबसे पहले तो हमें जो है जो चेंजेस है वो हम करते हैं, और उसके बाद जो है एक्टिविटी ऐड करके डिजाइन क्रिएट कर लेंगे। तो अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। ओके, और पिछले वीडियो में हमने जो हमारा एक लेआउट ऐड किया था ऑर्डर कंफर्मेशन लेआउट डिलीवरी एक्टिविटी में, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हमारा लेआउट शो होता है ओके, हमारा जो ऑर्डर कंफर्मेशन लेआउट है वो एक बार शो होता है, उसके बावजूद भी क्या होता है, लेआउट के पीछे जो हमारे बटन्स हैं, कंटिन्यू बटन, फिर हमारा बैक बटन एक्शन बार वाला ओके, बैक एरो की, एंड उसके बाद जो है हमारा चेंज और एड एड्रेस बटन ओके, ये तीन बटन जो है ये अभी भी यूजर जो है उस पर क्लिक कर पा रहा है ओके, यानी कि ये बटन जो है हमें डिसेबल करने पड़ेंगे। जैसे जब हम हमारा लेआउट शो करते हैं कंफर्मेशन लेआउट ओके, तब हमें क्या करना है, हमारा जो हमारे ये तीनों बटन जो है उसे हमें डिसेबल कर देने हैं ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिलीवरी एक्टिविटी पे आना है, और यहाँ पे जब हम लेआउट को शो करवाते हैं, हमारा जो लेआउट है ओके, ये रहा ऑर्डर कंफर्मेशन लेआउट ओके, 228 के आसपास होगा ओके, ऑर्डर कंफर्मेशन लेआउट, यहाँ पे हम उसे विजिबल करवा देते हैं। तो इसे विजिबल करवाने से पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जितने भी बटन्स है उसे डिसेबल कर देना है ओके। तो एक बटन है हमारा कंटिन्यू बटन ओके, कंटिन्यू बटन को हम जो है डिसेबल कर देंगे, तो सेट एनेबल्ड, और यहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे ओके। उसके बाद नेक्स्ट बटन जो है वो हमारा चेंज और एड एड्रेस बटन, तो इसे भी हम जो है डिसेबल कर देंगे, तो सेट एनेबल्ड और यहाँ पे फॉल्स कर देंगे ओके। एंड एक हमारा एक्शन बार पे जो बैक की है, बैक एरो की ओके, जिसकी मदद से हम जो है प्रीवियस एक्टिविटी पे शिफ्ट होते हैं, तो उसे भी हमें डिसेबल कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज अप एनेबल्ड ओके, सेट डिस्प्ले होम एज अप एनेबल्ड ओके, और इसे हम जो है फॉल्स कर देंगे ओके। तो बस ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली है, अब कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके. अब हमें क्या करना है, हमें फोन नंबर एक्सेस करना है, तो पहले हम वो सारी चीजें करते हैं। यहाँ पे हमें जो है चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे मॉडल में, अडेप्टर में और हमारी क्वेरी में ओके. तो हमें चलना है सबसे पहले एड एड्रेसेस एक्टिविटी ओके. यहाँ पे आ जाएंगे एड एड्रेसेस एक्टिविटी, और यहाँ पे हमारी जो क्वेरी है ओके, यहाँ पे आ जाएंगे स्टेटमेंट्स के अंदर ओके. और यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, फोन नंबर और जो नेम होता है यूजर का नेम ओके, फुल नेम, दोनों को एक साथ जो है एक ही फील्ड में हम ऐड कर देते थे यहाँ पे ओके. इस आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम नेम ऐड करते थे, और उसके बाद एक जो है डैश, एंड उसके बाद जो है सेम ही सेम फील्ड के अंदर हम मोबाइल नंबर भी ऐड कर लेते थे. तो अब हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर के लिए एक अलग से फील्ड सेट करनी पड़ेगी, ताकि हम जो है हमारी एक्टिविटी में मोबाइल नंबर जो है उसे एक्सेस कर पाए ओके. तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अलग से मैप के अंदर एक और फील्ड हमें ऐड करनी है ओके, मोबाइल नंबर के नाम से. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फुल नेम है उसकी जगह हमें जो है एक काम करते हैं, पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, ये पूरी लाइन को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी ओके. उसके बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं ओके. फुल नेम हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो है नेम डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद जो ये वाला कोड है जहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं इसे हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे ओके. अब सिंपली हमें जो है सिर्फ नेम ऐड कर देना है यहाँ पे ओके. और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वाला कोड है ओके, यहाँ पे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के अंदर सिंपल एक नंबर है, और सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर दोनों नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फुल नेम की जगह हम कर देंगे मोबाइल नंबर ओके,
मोबाइल नंबर अंडरस्कोर, ओके कंट्रोल सी, यहाँ पे भी सेम चीज पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो नेम है उसे यहाँ से हम हटा लेंगे, ओके इस तरीके से, और ये डैश भी हटा लेंगे, ओके डायरेक्टली मोबाइल नंबर से, नीचे भी सेम चीज करेंगे डायरेक्टली मोबाइल नंबर से, ओके तो अब यहाँ पे जो है क्वेरी में हमने चेंज कर लिया है। अब हम एड्रेस, जैसे ही न्यू एड्रेस कोई अपलोड करेंगे तो उसके अंदर जो है अलग से एक मोबाइल नंबर की अलग से एक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, ओके तो यहाँ पे हमने जो है अपलोड के लिए जो सेट करना था चीज वो हमने सेट कर लिया है। अब हमें चलना है जहाँ पे हम एक्सेस करते हैं एड्रेसेस को, और मॉडल और एडेप्टर में भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और अब चलते हैं हम डीबी क्वेरीज में, ओके पहले मॉडल में चेंज कर लेते हैं, एड्रेसेस मॉडल में आ जाएंगे और यहाँ पे फुल नेम के नीचे जो है हम एक और स्ट्रिंग जो है वो ऐड करेंगे, ओके मोबाइल नंबर, ओके और यहाँ पे काम करते हैं, ओके फाइन यहीं पे जो है ऐड कर लेते कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, और नीचे जो है इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं दिस डॉट मोबाइल नंबर इज इक्वल्स टू मोबाइल नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और गेटर एंड सेटर सेट कर लेंगे, ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे गेटर एंड सेटर, ओके मोबाइल नंबर, ओके तो मॉडल के अंदर हमने चेंजेस कर लिया है। अब हमें चलना है एडेप्टर के अंदर, ओके अभी हमें बहुत सारे एरर शो होने वाले जहाँ पे भी हमने एड्रेस मॉडल का यूज किया है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है अब चलते हैं एडेप्टर पे, एड्रेसेस एडेप्टर, और यहाँ पे जो है अब हमें ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे चलना है पहले तो, ओके और यहाँ पे हमें एक और फील्ड अब एक्सेस करनी है स्ट्रिंग मोबाइल नंबर इज इक्वल्स टू एड एड्रेसेस मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट मोबाइल नंबर, ओके तो यहाँ पे हमने जो है मोबाइल नंबर एक्सेस कर लिया है। अब हमें जो है इसे पास करना पड़ेगा हमारे ये मेथड में, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं मोबाइल नंबर, ओके अब यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने पैरामीटर्स चेंज नहीं किए हैं, तो नीचे आ जाते हैं सेट डेटा मेथड ये रहा, और यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड कर लेते हैं स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, ओके अब क्या करना है यहाँ पे पहले हम क्या करते थे सेट टेक्स्ट में सिंपली नेम ऐड करते थे, अब यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर हमने फील्ड्स तो ऐड किए लेकिन हमने अलग से टेक्स्ट भी ऐड नहीं किया है और हमें करना भी नहीं है, हमें फुल नेम के साथ ही डिस्प्ले जो है फुल नेम के साथ ही करवाना है, ओके सिर्फ हमने अलग फील्ड इसलिए जनरेट की ताकि ये फील्ड के थ्रू हम जो है सिंपल मोबाइल नंबर जो है वो एक्सेस कर पाए, बाकी डिस्प्ले करवाने के लिए तो हम सेम टेक्स्ट व्यू का यूज करेंगे यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे यूजर नेम प्लस, और यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे हम स्पेस डैश, एंड अगेन जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे सेट टेक्स्ट में, ओके इस तरीके से, ओके तो यहाँ पे अडेप्टर में भी हमने चेंज कर लिया है। अब चलना है हमें जहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं, ओके यानी कि डीबी क्वेरीज जहाँ से हम एड्रेसेस लोड करवाते हैं, तो डीबी क्वेरीज पे चलना है, ओके ये मैंने डिलीवरी एक्टिविटी ओपन कर ली डीबी क्वेरीज, और यहाँ पे हमें जो है अब एरर तो शो हो ही रहा है यहाँ पे, ये रहा लोड एड्रेसेस मेथड पे आ जाएंगे, ओके लोड एड्रेसेस, और यहाँ पे अब जो है हमें एक और पैरामीटर पास करना है ओके मोबाइल नंबर, ओके नीचे टास्क डॉट गेट रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम नाम देंगे मोबाइल, ओके चेक कर लेते क्या नाम दिया था हमने मोबाइल नंबर, ओके ये फील्ड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे प्लस एक्स करना पड़ेगा हमें प्लस एक्स, ओके
प्लस एक्स डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। तो यहां पे हमने जो है ऐड कर लिया है, ओके। लोड एड्रेस में भी जो है एक और फील्ड हमने जो है एक्सेस कर ली है, और अब जो है हमने जहां जहां पे भी सेट किया है एड्रेसेस को वहां पे हमें जाना पड़ेगा, ओके। यहां पे क्या एरर है एड एड्रेसेस पे, ओके फाइन। यहां पे एड एड्रेसेस पे न्यू एड्रेसेस मॉडल, ओके। यहां से हम जो है ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे अब पहले हम क्या कर रहे थे नेम के साथ जो है ऐड कर रहे थे सेम चीज, ओके। तो अब नेम के साथ हमें ऐड नहीं करना है, यहां से ये सिंपली ये चीज जो है ये हम हटा लेंगे यहां से, ओके। मोबाइल नंबर वाला कोड जो है यहां से हटा लेंगे हम, और वो कोड जो है वो यहां पे पेस्ट कर देंगे, ओके। तो मैंने डिलीट कर लिया, यहां से अगेन यहां से कट कर लेते हैं, ओके फाइन। मैं अंडो कर लेता हूं क्योंकि दोनों जगह अलग अलग कोड है, ओके। क्या करना है यहां पे जो है हमें, यहां से मोबाइल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। यहां से इसे कट करते हैं और यहां पे लास्ट में ऐड करते हैं, ओके। और ये सारी चीजें अब नहीं चाहिए, ये डिलीट कर सकते हैं, ओके। यहां पे भी सेम चीज, पर यहां पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी हमें जो है साथ में ले लेना है, तो यहां से इसे कट करते हैं कंट्रोल एक्स और ट्रू के बाद यहां पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। और अगेन यहां पे ये जो कैरेक्टर्स है इसे हम डिलीट कर लेते हैं, ओके। तो यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, अब हमें चलना है एड्रेसेस एक्टिविटी पे, ओके। ये तो एक्टिविटी, सॉरी कौन सी एक्टिविटी आएगी अभी, एड एड्रेसेस, एड्रेसेस एडेप्टर, माई एड्रेसेस एक्टिविटी, ओके। माई एड्रेसेस एक्टिविटी, यहाँ पे कोई चेंज है, ओके। काम करते इसे जब रन करेंगे तब चेक कर लेंगे, ओके। इसे हम जब रन करेंगे तब चेक कर लेंगे, अगर कोई एरर आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। अभी हम जो है न्यू एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं हमारी ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, तो एक न्यू एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी, और नाम रखेंगे इसका ओटीपी वेरिफिकेशन एक्टिविटी, ओके। ओटीपी वेरिफिकेशन एक्टिविटी नाम रखेंगे एंड फिनिश, ओके। तो यहां पे हमारी जो एक्टिविटी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, तो अब हम इसका डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ओके, सेट कर सकते हैं। तो यहां पे एक्सएमएल फाइल पे आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब जो है हम डिजाइन रेडी कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो है बैकग्राउंड रेड कर देना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट टैब पे चलते हैं और जो पैरेंट लेआउट है रूट लेआउट है इस पे बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, ओके। बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, ओके। अगेन डिजाइन टैब पे आ जाते हैं और अब सबसे पहले हमें आइकन सेट करना है, तो आइकन के लिए इमेज व्यू का यूज करेंगे, ओके। ये रहा एसएमएस वेरीफाई, ओके। अब इसे कंस्ट्रेंट करना है, ओके। अब इसे कंस्ट्रेंट कर देते हैं टॉप से, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से एंड लेफ्ट साइड से, मैं हर बार राइट और लेफ्ट उल्टा बोलता हूं, कोई बात नहीं। 32 डीपी मार्जिन दे देते हैं, ओके। 32 नहीं, ज्यादा देना पड़ेगा। एक काम करते हैं बॉटम से भी इसे कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और इसे जो है वर्टिकल बायस दे देते हैं हम 12, ओके 12 दे देते हैं वर्टिकल बायस, ओके। उसके बाद हमें टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड अगेन इसे भी हमें कंस्ट्रेंट करना है, ओके। इमेज व्यू के साथ एंड अगेन राइट एंड लेफ्ट साइड जो है हम करेंगे लेआउट के साथ, मार्जिन 16 डीपी देंगे तीनों साइड से, ओके। विड्थ जो है वो हम मैच कंस्ट्रेंट सेट करेंगे, ओके। एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए हमें, ओके। चेक करते हैं,
ओके, अभी एडिट टेक्स्ट चाहिए और उसके बाद अगेन एक टेक्स्ट भी चाहिए। तो एक एडिट टेक्स्ट चाहिए हमें नंबर टाइप का, तो टेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ओके, नंबर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इसे भी हम कंस्ट्रेंट करते हैं टॉप से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अगेन सेम मार्जिन देंगे 16, 16, ओके। और यहाँ पे जो विड्थ है वो हम यहाँ पे सेट करते हैं, मैन्युअली सेट करते हैं 100 dp, ओके 150, ओके अभी 150 रखते हैं, बाद में चेक कर लेंगे। उसके बाद अगेन एक और टेक्स्ट भी चाहिए हमें, और इसे मार्जिन हम जो है टॉप से दे देते हैं 32, ओके। उसके बाद एक और टेक्स्ट भी चाहिए हमें, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अगेन इसे भी कंस्ट्रेंट करते हैं टॉप से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, एंड अगेन मार्जिन सेम 16 dp, अगेन टॉप से इसे भी हम जो है 32 dp दे देंगे मार्जिन, ओके। और विड्थ जो है अगेन इसकी हम मैच कंस्ट्रेंट दे देंगे, ओके। इसके बाद हमें एक बटन चाहिए, तो बटन सिंपल बटन जो है हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसे कंस्ट्रेंट करते हैं अगेन टॉप से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अगेन मार्जिन देंगे 16, 16, एंड इसे हम बॉटम से भी कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, ओके। एंड विड्थ देंगे मैच कंस्ट्रेंट, ओके। वापस से यहाँ से जो है डिजाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। अब कस्टमाइजेशन करना है, तो सबसे पहले जो है टेक्स्ट टैब पे आ जाते हैं और टेक्स्ट व्यू को जो है पहले फोकस करते हैं टेक्स्ट व्यू पे, तो टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसे आईडी हमें देनी पड़ेगी, ओके। फोन नंबर, ओके, इसकी आईडी हम सेट करते हैं फोन नंबर, अगेन इसकी आईडी जो है हमें डिजाइन टैब पे जाके सेट करनी चाहिए, अंडो कर देते हैं, ओके। आईडी बाद में सेट करेंगे, पहले जो है डिजाइन कस्टमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट ऐड करना है, वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू, ओके। और यहाँ पे रैंडम नंबर जो है हम सेट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, कलर एक्सेंट, टेक्स्ट स्टाइल कर देंगे बोल्ड, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, एंड टेक्स्ट साइज चेंज कर देंगे 16, 16 sp, ओके। ओके, उसके बाद एडिट टेक्स की बारी, तो एडिट टेक्स को यहां से सिलेक्ट करते हैं, एंड अगेन सेम चीज, पहले तो हमें जो है इसकी टिंट सेट करना है, बैकग्राउंड टिंट, कलर एक्सेंट, ओके। उसके बाद हिंट ऐड करेंगे, ओके, हिंट क्या सेट करना है, एंटर ओटीपी, ओके। एंड उसके बाद जो है यहां पे अगेन मैक्स लेंथ यहां पे सेट करेंगे हम, मैक्स लेंथ 6, मैक्स लेंथ 6। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे टेक्स्ट कलर अगेन हमें जो है चेंज करना है, टेक्स्ट कलर कर देंगे कलर एक्सेंट,
ओके, टेक्स्ट स्टाइल भी हम चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं बोल्ड। एंड उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू, प्लीज वेट, इट कैन टेक अप टू 60 to 120 seconds टू रिसीव द वेरिफिकेशन SMS। ओके, तो नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे भी जो है सेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, सेम कलर एक्सेंट एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करेंगे सेंटर। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बटन की बारी, तो बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे वेरीफाई, टेक्स्ट ऑल कैप्स फॉल्स, टेक्स्ट कलर कलर एक्सेंट। ओके, टिंट सेट करना है, बैकग्राउंड टिंट बटन रेड। ओके, ओके, अब डिजाइन टैब पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिजाइन जो है वो रेडी है, अब हमें सबकी आईडी सेट कर देनी है। तो यहाँ पे एक की टेक्स्ट व्यू की आईडी सेट करनी है, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की आईडी सेट करनी है, यानी कि बटन जो है उसकी आईडी सेट करनी है। तो पहले टेक्स्ट व्यू की आईडी सेट कर लेते हैं, फोन नंबर। ओके, फोन नंबर यस, एंड उसके बाद एडिट टेक्स्ट की बारी, तो एडिट टेक्स्ट। ओके, ओटीपी डोंट आस्क अगेन यस, एंड फाइनली बटन, बटन का नाम से आईडी जो है वो सेट कर देंगे वेरीफाई। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो है हमने एक्टिविटी का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। ओके, डिजाइन तो हमारा रेडी है, अब हमें क्या करना है, चलना है डिलीवरी एक्टिविटी पे। ओके, डिलीवरी एक्टिविटी ओपन करते हैं और यहाँ पे न्यू क्लिक लिस्टर हमें ऐड करना है। ओके, न्यू बटन भी ऐड करना है हमें, ऊपर चलते हैं एकदम ऊपर। ओके, डायलॉग के अंदर जो है हमारा बटन है। ओके, ये हमारा पेमेंट मेथड डायलॉग है। पेटीएम, ओके, ये रहा पेटीएम, पेटीएम हमने यहाँ पे इमेज बटन डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पेटीएम के बाजू में हम जो है सेम यहीं पे जो है बटन डिफाइन कर लेते हैं, सीओडी बटन। ओके, सिंपली सीओडी यहाँ पे जो है हम सेट करते हैं सीओडी। ओके, इसके बाद सेम यहाँ पे असाइन कर लेंगे पेटीएम के नीचे, सीओडी इज इक्वल्स टू पेमेंट मेथड डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट सीओडी बटन। ओके, अब हमें जो है सीओडी पे क्लिक लिस्ट सेट करना है, तो पेटीएम जहां पे हमने सेट किया हुआ है पेटीएम कि उसके ऊपर कर सकते हैं हम यहां पे सीओडी डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। ओके, अब यहां पे क्या करना है हमें, जैसे यूजर सीओडी पे क्लिक करता है तो हमें जो है इंटेंट क्रिएट करना है। ओके, इंटेंट, इंटेंट का नाम हम, ओके, इंटेंट, इंटेंट का नाम हम सेट करेंगे ओटीपी इंटेंट। ओके, इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट डिलीवरी एक्टिविटी डॉट दिस ओटीपी एक्टिविटी, ओटीपी वेरिफिकेशन एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट करवा देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी ओटीपी इंटेंट। ओके, अब ये एक्टिविटी को हमें फिनिश नहीं करवाना है। ओके, अब यहाँ पे हमें एक और चीज करनी है, ये एक्टिविटी के साथ जो है हमें मोबाइल नंबर जो है फोन नंबर
वो भी हमें सेंड करना है यहाँ पे इंटेंट इंटेंट के साथ। तो यहाँ पे हम जहाँ पे फुल नेम सेट करवाते हैं, फुल नेम हम कहाँ पे सेट करवाते हैं, नीचे ऑन स्टार्ट मेथड पे। ओके, ऑन स्टार्ट मेथड पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुल नेम सेट करवाते हैं, डीबी कॉरेज डॉट एड्रेसेस। ओके, सिलेक्टेड एड्रेस। तो यहाँ पे जैसे हम फुल नेम जो है यहाँ पे जिस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सेम तरीके से जो है फोन नंबर भी एक्सेस करना है, मोबाइल नंबर। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो है यहाँ पे हमें जो है स्ट्रिंग के अंदर जो है सेव करना पड़ेगा। ओके, एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर ही जो है स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं फुल नेम के नीचे। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ओके, नेम एंड मोबाइल नंबर। ओके, नेम एंड मोबाइल नंबर। अब नीचे चलते हैं, ऑन स्टार्ट मेथड पे। ओके, और ऑन स्टार्ट पे यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नेम को एक्सेस करेंगे, नेम इज इक्वल्स टू, और ये जो अंदर वाला सेट टेक्स्ट के अंदर वाला जो कोड है, ये वाला पूरा यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, एंड मोबाइल नंबर इज इक्वल्स टू, सेम चीज यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे फुल नेम की जगह हमें गेट मोबाइल नंबर एक्सेस करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सेट टेक्स्ट पे हम करवा देंगे नेम। ओके, नेम प्लस एक डैश चाहिए हमें, एंड उसके बाद अगेन प्लस, और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर। ओके, फुल नेम पे इस तरीके से हम टेक्स्ट सेट करवा देंगे, एंड उसके बाद अगेन हमें इंटेंट के साथ जो है मोबाइल नंबर जो है सेंड करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है ओटीपी इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा की देते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं मोबाइल नंबर डॉट सब स्ट्रिंग। ओके, सब स्ट्रिंग 0 से 10th इंडेक्स तक। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमने जो है इंटेंट के थ्रू मोबाइल नंबर जो है वो सेंड कर लिया है। अब हमें चलना है माय सॉरी ओटीपी वेरिफिकेशन एक्टिविटी पे। ओके, और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम सारी एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू। ओके, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, फोन नंबर टेक्स्ट। ओके, फोन नंबर, सिंपली फोन नंबर। उसके बाद प्राइवेट एडिट टेक्स्ट। ओके, ओटीपी एंड प्राइवेट बटन। ओके, वेरीफाई। बटन, ओके, अब तीनों को असाइन करेंगे नीचे। फोन नंबर इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट फोन नंबर, एंड उसके बाद जो है ओटीपी इज इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी डॉट ओटीपी। ओके, एंड उसके बाद जो है वेरीफाई बटन इज इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी डॉट वेरीफाई। ओके, वेरीफाई बटन कर देते हैं, वेरीफाई अंडरस्कोर बटन। ओके, देन चलते हैं क्लास पे। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं वेरीफाई बटन। ओके, तीनों को हमने असाइन कर लिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले फोन नंबर जो टेक्स्ट है उस पर टेक्स्ट सेट करना है हमें, तो फोन नंबर डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम टेक्स्ट सेट करेंगे सेम वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू वेरिफिकेशन कोड हैज
बीन सेंड टू प्लस 91, ओके। एंड उसके बाद यहां पे हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर जो है इंटेंट में से हमें निकालना है, तो इंटेंट ओके गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहां पे जो है हमें स्ट्रिंग का नाम देना है मोबाइल नंबर जो कि हमने की सेट की हुई है, ओके गेट स्ट्रिंग ओके। काम करते हैं, यहां पे जो है फोन नंबर वेरिएबल एक क्रिएट कर लेते हैं ऊपर, ओके स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर यूजर नंबर, ओके। और यहां पे जो है अगेन यूजर नंबर इज इक्वल्स टू गेट इंटेंट, ओके यहां से कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ओके। और यहां पे जो है ऐड कर लेते हैं यूजर नंबर, ओके। तो यहां पे जो है हमने टेक्स्ट पे जो नंबर है वो सेट करवा लिया है, ओके। तो अब क्या करना है, हमें ओटीपी वेरीफाई करना है और उसके बाद बटन पे क्लिक लिस्ट सेट करना है। तो यहां पे अभी हम ओटीपी के लिए अभी हमने कुछ कोड सेट नहीं किया है, तो यहां पे अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, ओके। सिंपली हम अभी जो है चेक कर लेते हैं एक बार, ओके, कि हमारा एक्टिविटी जो है वो काम कर रहा है या नहीं, ओके। और चेक करने से पहले एक और चीज, हमें अभी आगे क्या करना है, ओके, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमें ब्राउजर पे चलना है पहले तो, और यहाँ पे जो है एक सर्विस है फास्ट टू SMS, ओके, इसका जो है हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं SMS सेंड करने के लिए, OTP सेंड करने के लिए यूजर को, ओके। काफी अच्छी सर्विस है वही। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, ये वाले लिंक, ओके। ये लिंक के थ्रू अगर आप साइन इन करेंगे तो मुझे जो है यहाँ पे 5 रुपीज का जो है क्रेडिट मिलेगा, ओके। इससे क्या होगा कि हम जो है टेस्टिंग कर पाएंगे इसकी मदद से, ओके। मैं टेस्ट कर पाऊंगा और आपको शो कर पाऊंगा, तो यहां से आप साइन इन कर सकते हैं, ओके। आपकी मर्जी, आपको जहां से भी साइन करना हो, ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अगर वहां से आप साइन अप करते हैं तो मुझे यहाँ पे 5 रुपीज क्रेडिट मिलेगा वॉलेट बैलेंस, ओके। तो उसकी वजह से जो है मैं यहाँ पे थोड़ी सी टेस्टिंग कर पाऊंगा हमारे ऐप के लिए, ओके। तो अब जो है यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है, तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड होगा, ओके। और यहाँ पे हमें जाना है बल्क SMS पे, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाएंगे बल्क SMS पे, इस पे क्लिक करेंगे बल्क SMS, ओके। अब यहाँ पे जो है तीन टैब्स होंगे, एक प्रमोशनल, एक क्विक ट्रांजेक्शनल और एक जो है ट्रांजेक्शनल। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला टैब है उस पे आ जाएंगे हम क्विक ट्रांजेक्शनल, ओके। यहाँ पे हमें आ जाना है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने तो एक टेस्टिंग के लिए जो है यहाँ पे एक मैसेज ऐड किया हुआ है, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ऐड करना है, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सेम ये जो मैंने मैसेज यहाँ पे टाइप किया हुआ है आपको यही मैसेज टाइप करना है। अभी अपने ऐप का नाम यहाँ पे प्लीज मत लिखना, वरना आपका जो SMS है ओके वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हमें सबमिट करना होता है, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका नंबर होगा जो भी नंबर से आपने साइन इन किया होगा, ओके। तो ये हटाने के लिए हमें जो है प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ती है, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं, सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, ओके। तो अभी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमें मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है डियर कस्टमर, ओके। सेम ये मैसेज आप टाइप कीजिएगा, डियर कस्टमर योर, ओके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, डियर कस्टमर योर OTP वेरिफिकेशन कोड इज, ओके फाइन। तो यहां पे आपको टाइप करना है डियर कस्टमर योर OTP वेरिफिकेशन कोड इज, ओके। इसके बाद क्या करना है, एक स्पेस देना है, और यहां पे ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, ओके ये 10 कैरेक्टर्स वाला जो ऑप्शन है, इसे यहां से हम ऐड कर लेंगे, ओके। इस तरीके से हमें करना है, यहाँ पे एक जो है स्पेस दे देंगे,
तो सेम ये मैसेज आपको टाइप करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये जो है इसको वेरीफाई होने में जो है 2 से, वैसे तो यहाँ पे 12 to 24 वर्किंग आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन मेरे टाइम पे जो है 3 घंटे के अंदर जो है मैसेज जो है वो मुझे रिसीव हो गया था। तो अप्रूवल मिल गया था मुझे, तो यहाँ पे आपको भी सबमिट कर देना है, और उसके बाद मिनिमम 3 से 4 घंटे में आपको भी जो है मैसेज आ जाएगा कि योर SMS हैज बीन अप्रूव्ड। तो आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से सबमिट कर लेना है। तो मैं अभी यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें आना है यहाँ पे डेवलपर API, DEV API, यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे API पे आना है, API टैब पे, और यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक की जनरेट होगी। अगर जनरेट नहीं हुई है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगेन सेम की है, जैसे कि हमारा चेकसम के लिए हमें की मिलती है। तो वैसे यहाँ पे भी ये की है, इसका यूज हमें करना है। और यहाँ पे एनेबल कर देना है, बाय डिफॉल्ट वैसे ये एनेबल ही होगा। तो यहाँ पे ये की जनरेट कर लेनी है, इसे एनेबल कर देना है। और अगेन यहाँ पे आपको जो है बाय डिफॉल्ट जो है 25 रुपीज आपके वॉलेट में ऑलरेडी एडेड होंगे, तो आपको टेस्टिंग के लिए अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है बैलेंस। बस इसे वेस्ट मत कर देना। तो इसे जब चेक करना हो तभी हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है की जनरेट कर लेनी है। की जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक हियर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। और यहाँ पे जो है क्विक ट्रांजेक्शनल API, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो पोस्ट मेथड है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है इस तरीके से हमें यूज करना है, मैसेज जो है वो सेंड करने के लिए यूजर को। तो ये सारी जो चीजें हैं कोडिंग, इसका जो कोडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। बस आप जो है ये वेबसाइट पे जो है साइन इन कर लेना। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप साइन इन कर लीजिए, और मैसेज जो है वो भी अप्रूवल के लिए जो है सबमिट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट हो जाएगा आप सभी का मैसेज। तो हम नेक्स्ट वीडियो से जो है इसकी कोडिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो से सेट कर लेंगे हमारे ऐप में। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने जो है चेक कर लिया, हमने जो है एक्टिविटी ऐड कर ली। अब एक बार उसे चेक कर लेते हैं रन करके। और यहाँ पे आप साइन इन कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं वापस से, और यहाँ पे मैं अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, और मैं पहले साइन आउट कर लेता हूँ क्योंकि हमने एड्रेसेस के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। तो यहाँ पे पुरानी फील्ड्स अगर हम एक्सेस करेंगे तो जो है हमें एरर शो होगा। तो यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम। पासवर्ड डजन मैच। यहाँ पे हमने साइन अप कर लिया है। अब चलते हैं पहले डिलीवरी एक्टिविटी पे। डायरेक्टली बाय नाउ करते हैं। पहले हमें जो है यहाँ पे सिटी कुछ भी दे देते हैं, लोकलिटी भी कुछ भी दे देते हैं, रैंडम कुछ भी। पिन कोड अगेन 1 2 3 4 5 6। स्टेट एंड अगेन नेम। मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं अभी। नेक्स्ट, डन, सेव। तो यहाँ पे नाम आ चुका है। अब हम चलते कंटिन्यू करते हैं। पहले चेंज और एड एड्रेस पे चलते हैं। यहाँ पे भी सब सही है। बैक चलते हैं, कंटिन्यू, और कैश ऑन डिलीवरी पे जो है क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है OTP वाला एक्टिविटी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नंबर जो है वो एकदम अच्छे तरीके से शो हो रहा है। पूरा नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ ये हमारा मोबाइल नंबर है।
ओके, जो हमने सेट किया अभी एड्रेस के अंदर, ओके वो वाला हमारा मोबाइल नंबर है। उसके बाद ये हमारा वेरीफाई बटन जिसपे अभी ये काम करना बाकी है, ओटीपी भी काम करना बाकी है। तो ओटीपी पे आप देख सकते हैं नंबर नंबर कीबोर्ड है, ओके, और मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं वो 6 हैं, ओके, मैक्सिमम कैरेक्टर 6 हैं। तो यहाँ पे हम ओटीपी वेरीफाई करवाएंगे, एक काम करेंगे इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देंगे। ओके, अब एक और प्रॉब्लम जो थी वो हम चेक कर लेते हैं पहले। ओके, पिछले वीडियो में हमें जो एक पेटीएम के थ्रू जब जो है ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चेक कर लेते हैं। ओके, एक ट्रांजेक्शन करके देखते हैं। पे नाउ, सबमिट, ओके, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे कंटिन्यू बटन की कंटिन्यू बटन जो होता था, ओके, मैसेज आ चुका है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे पहले हम जब क्लिक करते थे भले हमारा ये लेआउट ऊपर है, फिर भी यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यू बटन है वो प्रेस होता था। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके, अब मैं कहीं पे भी, यहाँ पे भी हमारा एड्रेस बटन है तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये हमारा बैक बटन है तो यहाँ पे भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके, तो ये जो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली है। ओके, कंटिन्यू शॉपिंग, तो हम आ चुके हैं वापस से हमारी मेन एक्टिविटी पे। ओके, तो अब अगले वीडियो से हम जो है काम करेंगे ओटीपी वेरिफिकेशन पे। ओके, और आप जो है साइन अप कर लीजिए, ओके, फास्ट टू एसएमएस पे, और अपना जो मैसेज है वो वेरीफाई करवा लीजिए। ओके, और उसके बाद अगले वीडियो से हम जो है ओटीपी पे काम करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा एंड ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।